सो वेलकम बैक टू गेमिंग एरा। तो क्या हाल है आप सब लोगों के, उम्मीद करता हूँ सब कुछ बढ़िया होगा। सो वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं ओजी के साथ। सो रिसेंटली अराउंड टाउन टीवी पर हमें माइक ऑन कर का एपिसोड 9 देखने को मिला, जहां पर हमें ऑर्क ओनर्स बात करते हुए नजर आ गए काफी सारे टॉपिक्स के ऊपर। जैसे वो यहाँ पर बात करते हुए नजर आए BGS 2024 के बारे में, साथ ही वो यहाँ पर बात करते हुए नजर आए T1 ऑर्गेनाइजेशन और T1 टीम्स के बीच में क्या डिफरेंस होता है, और सो यहाँ पर वो बात करते हुए नजर आए बिडिंग वॉर्स और पोचिंग के बारे में। इसके अलावा यहाँ पर काफी सारे फन सेगमेंट भी देखने को मिले, साथ ही साथ इंपॉर्टेंट सेगमेंट की बात करें तो कंटेंट क्रिएटर्स के बारे में वो बात करते हुए नजर आ गए कि काफी सारे ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स भी हैं इस IGC के अंदर जो सैलरी और ब्रांड वैल्यू में बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। ऑल्सो यहाँ पर वो बात करते हुए नजर आ जाते हैं काफी सारे जनता के सवालों के बारे में। तो इस पॉडकास्ट के रिगार्डिंग मैं कुछ सवाल जवाब आपको दिखा देता हूँ, बाकी पूरा पॉडकास्ट आपको अराउंड टाउन टीवी पर मिल जाएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो यहाँ पर पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी ऑर्ग है हु इज मोस्ट लाइकली टू पोच प्लेयर्स, एंड यहाँ पर ऑर्ग ओनर्स का रिस्पॉन्स ऑन स्क्रीन आप देख सकते हो। Poach players from another organization. Like इधर org बोलना है और नाम बोलना है। Players आपको अगर poach करना हो तो history is godlike. Yes. Godlike of course. नाम नहीं लूँगा यार, RCB जो org के बोला। ये बहुत PR से बन रहा है। बड़ी भाई। स्किप करना चाहता नहीं ये एक सेकंड क्या हुआ, ये जवाब अनफिल्टर्ड होगा, मैं तो सब बोलने वाला हूँ। ऑब्वियसली क्रॉन्टन ठीक है। So, वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बट उससे पहले मुझे जानना है कि आप भी डेली बीच में टूर्नामेंट खेल करके 50,000 रुपए जीतना चाहते हो। तो यार ये मिस मत करना, मैं बात कर रहा हूँ एप्लीकेशन सो स्ट्रॉन्ग के बारे में। ये एक ट्रस्टेड एप्लीकेशन है एंड इसके 35 लाख से भी ज्यादा डाउनलोड है, एंड सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि सो स्ट्रॉन्ग 8 करोड़ से भी ज्यादा विनिंग बांट चुका है। एंड यहाँ पर आपको काफी टाइप के टूर्नामेंट देखने को मिल जाएंगे, स्पेशली इंस्टेंट टूर्नामेंट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे जिसमें जीरो वेटिंग टाइम है। और तो और यार इसमें कस्टम रूम भी जरूरत नहीं है, आप क्लासिक रैंक खेलो जैसे कि नॉर्मली आप खेलते हो, एंड सो स्ट्रॉन्ग आपके फिनिशेस को डिटेक्ट करके आपको पैसे दे देगा, एंड आप यहां पर बीच में खेल करके काफी सारे पैसे जीत सकते हो। एंड कमाल की बात तो ये कि सो स्ट्रॉन्ग का एंटी चीट यार सबसे बेस्ट है। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में पिन मिल जाएगी, जरूर से जाकर के डाउनलोड करो। एंड 1000 पहले यूजर्स को 600 का बोनस मिलेगा जिससे आप फ्री में टूर्नामेंट खेल पाओगे। आएगा मजा खेल का, बहुत मजा आएगा। एंड यार मजे की बात तो ये है कि फोन पे, पेटीएम, गूगल पे एंड कोई भी किसी भी UPI से आप इंस्टेंट विड्रॉ कर सकते हो। मोगेम्बो खुश हुआ। तो यार देव ना करो, 50,000 रुपए डेली जीतो। सो स्ट्रॉन्ग की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में पिन मिल जाएगी, चेकआउट यार जरूर से करना। और सो यहाँ पर एक ऑडियंस का सवाल रहता है कि क्या जोनाथन को गॉड लाइक लीव करनी चाहिए, इस चीज के ऊपर भी रिस्पॉन्स आप इनका देख सकते हो। Should Jonathan leave the current esports team and make his lineup with another organization? I mean, सबसे पहला जवाब है yes, yes, maybe. Yeah, like. No, पहले no की तरफ चलेंगे हम. यार वो उनका reason तो मुझे समझ में आता है, ये no क्यों है? मैं actually change करूँगा. Because it's subjective. I don't know what's happening on the inside and. हाँ. मुझे ऐसा लगता है कि भाई आज मतलब reciprocation. टू द फैक्ट कि भाई जोनाथन ने भी अपना बहुत समय गॉडलाइक को दिया है और मतलब वो उसकी विल में अगर है और वो चाहे तो जो वो बाहर रह के अपनी ऑर्ग बना के प्लेयर बेस लाएगा और फिर उसमें जो तकलीफें झेलेगा उससे अच्छा तो ऑलरेडी एक बनी हुई टीम है उसके पास, कॉन्टन है बड़े भाई जैसा है उसके, तो आई थिंक वो अगर इसी पे कंटिन्यू करके एंड ऑफ द डे वो अपने डिसीजन जो उसको चाहिए वो उसको मिल ही जाएगा, तो क्यों उसको अलग से जाना है और अलग से वो वाली बात है उड़ता तीर लेने वाली बात है भाई क्यों करना है। आपने मेवी पे क्यों स्विच कर दिया? सो पहले यस बिकॉज पब्लिक परसेप्शन अगर थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव से देखे तो यस, बिकॉज अगर जोनाथन अपना कुछ अलग करता है अपार्ट फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन दैट ही इज विद राइट नाउ, आई थिंक देयर इज अ लॉट मोर ही कैन डू एज वी डिस्कस्ड अर्लियर, जैसे डिसगाइज्ड वाज लडविक, देयर आर लॉट ऑफ कंटेंट क्रिएटर्स हु हैव स्टार्टेड देयर ओन, सोलिया TX का ही एग्जांपल ले लो, ही कैन डू समथिंग सिमिलर। बट फिर आप कहना चाह रहे हो कि वो खुद छोड़ दे? हाँ मीन्स वो, बट फिर एग्जाम्पल फिर वो वाई स्विच टू मे बी इज बिकॉज आई डोंट नो इंटरनली क्या हो रहा है, अगर वो सेम चीज गॉडलाइक में रह के कर सकता है इस गॉडलाइक, व्हाई नॉट, बिकॉज देन इफ ही कैन मूव फ्रॉम बीइंग जस्ट अ प्लेयर इन गॉडलाइक
to probably being co-owner and add a lot more value, then why not? Then or kahin aur jaake kyun hi shuruaat se zero se kare, when he's already given so much time and effort to Godlike, he can have that become 10x of what it is today, whether that means him playing or not. And yahan par ek sawal OG ke owner se ye pucha jata hai ki wo kisi aur ko kyun nahi bulate is podcast ke andar and wahi same chehre kyun dekhne ko milte hain. Then yahan par wo practically is cheez ko elaborate karte ki ek time par unhone bulaya tha but samne se koi bhi reply nahi tha and ab ke time pe kyunki ye podcast successful ho chuka hai to ab unka kya reaction hai wo on screen aap dekh sakte ho. पर बहुत सारे ऑडियंस होती है ना जो पूछती है कि भाई साहब वही सिमिलर चेहरे क्यों दिखते हैं आपके पॉडकास्ट में, कुछ एक्स्ट्रा लोग क्यों नहीं आते, आप बुलाते नहीं, वो आते नहीं, क्या रीजन है? हम कोई कॉल नहीं उठा. इट इज अ ओपन पॉडकास्ट फॉर एवरीवन, तो ऐसा नहीं है और हमने बुलाया भी है पहले, बट अनफॉर्चुनेटली लोगों ने कॉल नहीं उठाया है, मैसेज का रिप्लाई नहीं दिया, थिंकिंग दे आर टू बिग टू बी हियर और टू बिग टू शो देयर फेस. सो आई थिंक इट्स बेटर नाउ दे स्टे होम एंड लिसन टू व्हाट वी हैव टू से. बाकी वही वीडियो में आगे बढ़े थे, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं BJS के बारे में. सो वेल, BJS ग्राइंड डे 4 में पॉइंट्स टेबल आप देख सकते हैं ग्रुप 7 की, जिसको टेबल टॉप करा है आईको सोल ने विद टोटल ऑफ 68 पॉइंट्स, फॉलोड बाय RIP मिजो विद टोटल ऑफ 37 पॉइंट एंड फॉलोड बाय कैनन बोल्स विद टोटल ऑफ 28 पॉइंट्स. वही ग्रुप 8 की बात करें तो टेबल टॉपर हमें देखने को मिल जाएगी पाइथन गेमिंग विद टोटल ऑफ 34 पॉइंट्स, एक्सनॉर ईस्पोर्ट्स विद टोटल ऑफ 31 पॉइंट्स, टीम 8bit विद टोटल ऑफ 27 पॉइंट्स इन हैंड, जिनके फिनिशेस पॉइंट एक बार आप देख लो 26 फिनिशेस पॉइंट और पोजीशन पॉइंट मात्र एक, स्टिल वो यहां पर हमें टॉप 3 में देखने को मिल जाएंगे. सो वेल, इससे एक अंदाजा आपको लग गया होगा कि यार इस BJS में फिनिशेस निकालना बहुत ज्यादा जरूरी है, भले आपके पोजीशन पॉइंट उतने ना आए. वहीं BJS और बीजमय की बात करें तो वेल यार आप अगर बीजमय खेलते हो रेगुलरली तो आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि जब से नया इवेंट आया तब से सर्वर बहुत लैगी हो गए हैं. मतलब यार आपकी पिंग भी अच्छी खासी आ रही होगी 20 की, 25 की, 40 की, बट जैसे आप आगे जा रहे हो वापस वहीं पे टेलीपोर्ट हो जा रहे हो जहां पर आप थे, चाहे आप ड्राइव कर रहे हो, चाहे फायर कर रहे हो, या आप गन पिकअप नहीं कर पा रहे होगे. सो वेल, यही चीज हमें यहाँ पर BJS के लॉबी में देखने को मिल गई एंड पहले ऑन स्क्रीन एक क्लिप आप देख सकते हो. क्या हो रहा है भाई ये? कोई मेरे पे स्मोक करो. क्या हो रहा है भाई ये? भाई ग्रीन मार्क पे डाल देना, सुनो रेफ करके ग्रीन मार्क पे डाल देना. यहाँ से पड़ी, सुनो ये गाड़ी ले ले, मैं निकल ले गाड़ी ले, निकल ले. मैं ऑन फुट हूँ, ठीक है? मैं ऑन फुट हूँ, एंगल काट के जा रहा हूँ मैं. अरे बैठ जाना आदि, इधर ही बैठ जा इस गाड़ी में. अरे उसमें बैठ जाऊँ, रुक जा भाई, धुआं निकल रहा है आदि उसका. किधर डालना है, किधर डालना है? ग्रीन मार्क पे डालो ना, साथ में 13 सेकंड ही है, रुक जाना ग्रीन मार्क पे जाके. अरे माइटी क्या हो रहा है ये तुम लोगों को भाई? अरे तो अरे मैं क्या करूं, साफ रे डालो, नीचे डालो, सीधा नीचे डालो ना उसके, मैक डाल दे आराम से. गाने दो उसको, अन दो अन दो. आदि आजा, मारो और मैं आ गया. नीचे रुक के नेट बैट कर दे, नेट पे यहीं पे नीचे रुक के नेट करना, यहीं पे रुक के नेट करना, यहीं पे रुक के नेट करो ना, बस यहीं रुको, यहीं रुको, आगे जाओ और ऊपर. अरे अबे यार, अबे नेट पे सब रो, नॉक नॉक पीछे नॉक मारो बे चढ़ के. रो रो रो, अबे नेट नहीं चल रहा, क्या करूं? अरे किसी का नहीं चल रहा. अब इस चीज के रिगार्डिंग यहाँ पर 8bit जूसी रिप्लाई देते हैं. अगर लॉबी के अंदर सभी टीम को सर्वर इश्यू फेस करने पड़ रहे हैं तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि यार टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर्स को रीहोस्ट करना चाहिए उस मैच को? एंड वो बोलते हैं आफ्टर मैच वन ऑफ BJS द ग्राइंड अवर प्लेयर वर नॉट एबल टू मूव एंड डाइड इन वेन एंड वी वरंट एबल टू डू एनीथिंग एंड वी डाइड इन ब्लू जोन ओनली, नॉट ओनली अवर टीम, व्हेन आस्क्ड फ्रॉम अदर टीम दे आल्सो आस्क्ड फॉर अ रीमैच बट द ऑर्गेनाइजर्स आर रिफ्यूजिंग टू रीहोस्ट द मैच. Is this fair? You guys can see even on the stream how players were playing in match 1. Each and everyone was lagging. And well, sirf 8bit nahi balki aise aur bhi kafi sare players hai jinko ye issue face karna pada tha on the same time. Wo clips bhi on screen aap dekh sakte ho. Kahin ruk, aage jao aur upar dekh ke jana nahi. Baki bar. Are kya lag ho raha hai be? Ab inko left se marna padega be. Thoda aaram se, thoda aaram se. Abe kya ho raha hai? Banda aur upar chalo, right se jana padega. Ye gaadi le le. Abe yaar. क्लोज कहां गया? कर ही नहीं रहा प्रे प्लेयर. मैं क्लोज आया, मैं बैक हो गया कुछ कर ही नहीं रहा प्लेयर मेरा. आ जा लेफ्ट, आ जा 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 आ
पूरा वो निकल जा ना, तू निकल ना, तू निकल निकल, तू निकल जा। अबे भाई क्या भाई, 72 पिंग, 72 चल रहा है लेकिन डिले चल रहा है। अबे अबे मिरेकल, तू क्या हुआ? आपको इस चीज के रिगार्डिंग क्या कहना है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। वीडियो में आगे बढ़े तो यहाँ पर कुल भाई बात करते हुए नजर आ जाते हैं आईकू सोल के बारे में, जहाँ पर वो ये बोलते हैं, सोल टीम इज सो क्लीन एंड फ्रेश, क्रेडिट गोज टू प्लेयर्स बिकॉज इट डजंट मैटर हाउ मच स्ट्रेटजी यू डेवलप एंड इंप्लीमेंट इफ प्लेयर्स आरंट द बेस्ट इन विनिंग देयर फाइट्स, इट डजंट मैटर हाउ मच स्ट्रेटजी यू डेवलप एंड इंप्लीमेंट इफ प्लेयर्स आरंट द बेस्ट इन विनिंग देयर फाइट्स, दिस इज वेयर सम टीम्स आर स्ट्रगलिंग, इट्स नॉट फॉल्ट ऑफ कोच बट योर्स। एंड यहाँ पर एक बंदा बोलता है कि क्रेडिट सिर्फ प्लेयर्स नहीं बल्कि एनालिस्ट और कोच को भी जाता है, एंड मायावी एंड आयोग भी क्रेडिट डिजर्व करते हैं। देन कुलबाई इस चीज से 100% एग्री करते हैं, यस दे आर वर्किंग वेल ऑन दीज सुपर प्लेयर्स। बाकी इस पर्टिकुलर वीडियो में सिर्फ इतना ही, मैं अभिषेक और मैं तो आपसे वीडियो में साइनिंग ऑफ।